गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 5:30 हो रहे हैं। आज बेटे का एग्ज़ाम है तो आज मुझे जल्दी उठना पड़ा, तो अभी 5:30 हो रहे हैं। तो चाय बना रही हूँ मैं, फिर नाश्ता बनाना, उसको रेडी करके स्कूल भेजना है। आज तो बादल से लग रही है, लोग मॉर्निंग दिन चढ़ गया है, लोग भी उठ गए हैं। मैं तो 5:30 बजे की उठी थी, तो ये देखिए आज बादल लग रहे हैं आसमान पे, और थोड़ा मौसम भी ठंडा लग रहा है। तो गुड मॉर्निंग सबको, तो वेलकम, एक न्यू दिन। हाय गाइस, राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कर लो ब्रेकफास्ट, मेरा ब्रेकफास्ट तो रेडी हो गया है। तो आज मुझे ब्रेकफास्ट अकेले करना पड़ेगा, क्योंकि आदर्श तो पेपर देने गया है, तो मज़ा तो नहीं आएगा पर खाना पड़ेगा। तो खा लो गाइस, आप भी नाश्ता कर लीजिए। और आज आदि के लिए ना चांदनी ने ना उसकी फेवरेट चीज़ बना के भेजी है, वो लेके आई है दाल के पराठे और चने की सब्जी। तो ये आदर्श को बहुत पसंद है, तो चांदनी सुबह सुबह दे के गई है, लेकिन आदर्श तो पेपर पाने गया है, तो इसलिए जब वो आएगा तो मैं उसके लिए रख रही हूँ ये दाल के पराठे और चने की सब्जी, तो वो ही खाएगा, क्योंकि ख़ासकर चांदनी ने उसी की चॉइस की चीज़ बनाई है आज। तो अन्नू की मम्मी ने भेजी है ये, तो उनको पता है कि आदर्श को ये दाल के परांठे और चने की सब्जी बहुत पसंद है, तो जब वो आएगा तो वो ही खाएगा। तो उसके लिए मैं रख देती हूँ, ये ढक देती हूँ। तो मैं तो अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। सो गाइज, आप भी कर लीजिए, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। सो गाइज, जब भी मैं ब्लॉग बनाने लगती हूँ ना कुछ इधर बेचने वाला आ जा रहा है, तो मेरा मुझे रोकना पड़ रहा है बोलने के लिए, नहीं तो उसकी आवाज़ तो मेरे से ज़्यादा ऊँची आ रही है। तो उसके पास लाउड स्पीकर है, उसी में वो बोल रहा है, तो मुझे थोड़ा रुक रुक के बनाना पड़ रहा है ब्लॉग। तो आज तो बेटा गया है पेपर देने के लिए स्कूल में, तो आज मेरा काम ख़त्म हो गया था, मैंने आज काम करना है। धूप भी निकल गई है, तो आज मुझे ना मलाई से मक्खन निकालना है और उसके बाद उससे घी निकालना है। तो चंडीगढ़ सरकार ने हमें अलाउ नहीं किया है कि हम गाय भैंसे रखें, तो हम लोग मलाई जोड़ के ही उसका घी निकाल लेते हैं। तो उन्होंने कहा है कि तुम लोगों को रहने दे रहे, इतना ही काफ़ी है। ये देखो, इसको भी अभी सब कुछ बेचना है। अब मुझे कितनी बार पहले आप लोग इसी से खरीद लो सब कुछ, 10 रुपये गुच्छे वगैरह, मैं बाद में बोलती हूँ, क्योंकि ये अभी चुप होने वाला नहीं है और मैं बाद में ही बात करती हूँ। सो गाइस, लगता है कि वो तो चला गया आगे, आवाज़ कम हो गई है, दूर चला गया। हाँ, तो मैं कह रही थी कि हम लोग तो मलाई जोड़ के ही घी बनाते हैं, तो हमें चंडीगढ़ सरकार ने नहीं बोला कि तुम लोग फ्लैटों में गाय भैंस रखो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तुम लोगों को हम रहने दे रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। तो गाय भैंस रखना तो अलाउ नहीं है, तो इस करके हम मलाई जोड़ के ही उसका घी निकाल लेते हैं। वैसे वो दूध भी तो डेयरी से ही आता है, भैंसों का दूध होता है, मलाई निकाल के हम घी जोड़ लेते हैं। दिमाग हमने मलाई निकाल ली है, अब मिक्सी में डाल के हमने इसको ग्राइंड करना है, तभी ये मक्खन बन जाएगा। क्योंकि गांव में तो मधाणी होती थी और कुज्जा मधाणी, उसमें मधाणी के साथ करता है, तो हम लोग मिक्सी ही करते हैं, हम थोड़े मॉडर्न हैं, हम 2024 की जनरेशन तो हम मिक्सी में करेंगे। किशन के नहीं लग रही है बूबा बाबा शेव गंदा करके, किशन के नहीं लग रहा मेरा बाबू।
ये माखन चोर। तो लो जी, मक्खन हमारा बन गया है, तो अब इसको हम पका लेते हैं, फिर बनाएंगे इसको गरम करके घी। तो गाइज, आप कैसे बनाते हो घी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइस, आज आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ, खासकर उन बच्चों के साथ में जो जिनके एग्ज़ाम हो रहे हैं और जिन्होंने आगे अभी एग्ज़ाम देने हैं। तो शायद उनको मेरी ये बात अच्छी ना लगे, लेक्चर लगे, लेकिन मैं अपने मन की बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर कोई मेरा ब्लॉग देखता है जो स्कूल जाता है और पेपर आ रहे हैं और पेपर दे रहा है, तो उनके लिए है। तो प्लीज़ बच्चों, अच्छे से मेहनत करो, पूरे साल की मेहनत है, आप ही की मेहनत नहीं होती इसमें। इसमें आपके पेरेंट्स, अपने आपके पिता, अपने आपकी माँ और आपके टीचर, सबकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो पूरा साल उन्होंने भी आपके साथ बराबर मेहनत की है। तो ये सब सोच के आप अच्छे से मेहनत करके और खूब पढ़ लिख के अच्छे से पेपर देना, ताकि आपके अच्छे नंबर आए और आप पास हो जाए अच्छे नंबरों से। तो ये मत सोचना कि आप लोगों ने साल भर मेहनत की है, आपकी माँ सुबह उठ के सब कुछ करती है आपके लिए, वो भी उनकी भी मेहनत बराबर है। आपके पिता, आपके पापा जो ड्यूटी जाते हैं, बारिश हो, तूफान हो, जब बीमार हो, फिर भी वो काम पे जाते हैं ताकि आप लोगों को किसी चीज़ की कमी ना हो। तो प्लीज़ उनके लिए और अपने टीचर, टीचर आपको पूरा साल देते हैं, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो वो आपके गुरु हैं, उनका भी सम्मान करो हमेशा। और सबका सोच के ही आप एग्ज़ाम देना अच्छे से, ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक सबके लिए। लो जी, घी हमारा रेडी हो गया डिब्बे में डालने के लिए। तो छन्नी के साथ घी को हम डिब्बे में डालेंगे अभी, तो हमारा घी बन के तैयार हो गया। गाइस, घी हमने निकाल लिया है डिब्बे में, अब इसको थोड़ा ढक के रख देते हैं। लो गाइस, जा रही हूँ मैं दीदी के घर पे, मुझे ब्लॉग चेक करना है और डाल के भी देखना है। पहले ब्लॉग डालने जा रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। आज बेटा स्कूल से लेट आया, उसका एग्ज़ाम था तो लेट आया वो, तो अभी अभी फ्री होके आई हूँ मैं, तो अभी दीदी के घर जाऊँगी। पहुंच गई हूँ मैं दीदी के घर। बोलो, आलू पूरी आई थी ना 35-40 सबने मिलके। और दादा किसी ने बोलो उधर, आलू पूरी खा के सुस्ती पै गई है। चलो दीदी बोलो। राधे कृष्णा। हाँ, आप भी बोलो बेटा। राधे कृष्णा। हाँ, तो लो मैं दीदी के घर पे आ गई हूँ। आज बड़ा लेट हो गई मैं। ओ उठ जा, पूरियां दा असर होया जड़ा तेरे पर। उठ जा, ट्यूशन भी जाना है। लो गाइस, जा रही हूँ मैं अपने घर पे, अब लेट हो गया, शाम के 6 बज गया, मुझे जाके धूप बत्ती ज्योत बत्ती करनी है और खाना भी बनाना है रात का। तो चलते हैं घर पे, दीदी को छोड़ आई हूँ, तो अभी मैं घर पे जा रही हूँ। देखो और जाके काम क्या करना है। देखो गाइस, डूबता हुआ सूरज, शाम के ना 6 बज गए और डूब गया सूरज। गाइस, आ गई हूँ मैं घर पे, तो आज के ब्लॉग का हम करते हैं एंड, तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अपना और अपने परिवार का रखना ध्यान। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम, बाय।